नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है जितिया का नहाए खाए, पर हम नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि हम कल करेंगे। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 10:30 रात से। क्यों? क्योंकि ब्लॉग नहीं बना पाते हैं हम, और हमारे घर में चल रही है सफाई, तो सोचे थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले। लोग को लगता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको लगता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, और हमारा घर चमकता है तो बहुत लोग को लगता है कि हम लोग खाली पैसा चिपकाते रहते हैं, मतलब कि कलर वगैरह कराते रहते हैं, जबकि हम लोगों का कलर कराए हुए 10 साल हो गया होगा ना। घर में घर के अंदर कलर कराए हुए 10 साल हो गया होगा। और ये देखिए सफाई कौन कर रहा है। अरे भाई, तुम्हें तो इज्जत लुटा दीजिएगा। ये देखिए, ये सर कर रहे हैं, ये सर हैं। आप सभी को बता दे कि ये सर हैं। बहुत हो गया। और ये अभी आए हैं ट्यूशन करके और सफाई में लगे हैं। दिन में पढ़ाई करते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं और रात को सफाई मंत्री बन जाते हैं। पूरा कर लो मेरा पब्लिसिटी। क्या हुआ? नहीं हुआ है, जाओ अभी रखो पूरा, उसको ऊपर तक लाल हो जाना चाहिए। ये देखिए, और यहाँ रखा है 2 बाल्टी में पानी, एक में है सर्फ का पानी और एक में है लाइजोल का पानी। ना सब ठीक है, दारी हमको बढ़िया लड़ रहा है। तुम राधे राधे नहीं किया? पोछा लेके राधे राधे करे। और यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है धोने के लिए, कपड़ा। और 3 रूम पोछा गया है। और पहले मेरे पतिदेव करते थे, और पिछले साल से अमित कर रहा है। और एक दिन तो पतिदेव किए भी थे, हॉल में गिर गए थे बेचारे, तो इसीलिए इस बार हम लोग उनको काम में नहीं भिड़ाए हैं। अमित अकेले कर रहा है, वैसे थोड़ा बहुत वो नीचे से हेल्प करते हैं, पर अमित अकेले कर रहा है। और एक बार सर्फ के पानी से इसको पोछा जाता है पूरा रगड़ रगड़ के, फिर साफ पानी से पोछा जाता है, लाइजोल के पानी से पोछा जाता है, तब हमारा घर चमकता है। और हर साल होता है दुर्गा पूजा से पहले, यानी नवरात्रा से पहले। सबके घर दीपावली में होता है ज़्यादातर लोग के घर। और कल हम जितिया का नहाए खाए करेंगे, बहुत जगह आज भी लोग किया है, वैसे हम कल करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा हम लोग कैसे कैसे करते हैं। और बता दे, अभी सब हम लोग खाना नहीं खाए हैं क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं इसीलिए। और पतिदेव लेट आए थे, लगभग 7:30 में आए थे, तो लेट से खाना खाया है, तो पता नहीं वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर हम तीनों हो सकता है खाएंगे, देखते हैं। ऊपर अमित पोछ लेगा तब खाना खाएंगे, फिर नीचे वो पोछेगा। The next day, राधे राधे। और सुबह से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि सुबह से उठे हैं, जब से रात के लगभग 2 बजे हम लोग सोए थे, तो जब से उठे हैं तब से कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हैं। तो अभी टाइम मिला और यहाँ बन रहा है हमारा खाना। तो यहाँ पे मड़वा का रोटी बनाए थे, और इस तरीके से मड़वा का रोटी हम पहली बार बनाए, और ये यूट्यूब पर देख करके बनाए थे, क्योंकि मड़वा का रोटी जैसे गेहूँ के आटे के बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनता है। तो उसको गर्म पानी से वो हलवे की तरह पहले चाड़ दिया जाता है, और तब इस तरह से खूब सान करके और बनाया जाता है। तो ये रोटी बहुत अच्छा बना था, बहुत मतलब गेहूं के आटे से भी ये रोटी सॉफ्ट बना था, बहुत अच्छा बना था। और ये यूट्यूब से देख करके हम बनाए थे, तो सबको पसंद भी आया था। तो बस वही यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, और इस तरीके से घी लगा देंगे, और इसके बाद चीलों सियारों को खाना निकालेंगे। और यहाँ पे जो जो बनाए थे वो दे दिए हैं। 5 तरह का सब्जी बनता है, तो 5 तरह का सब्जी, मड़वा का रोटी, और यहाँ
चिल्लो और सियारों को। तो कथा में चिल्लो सियारों का कथा होता है जितिया में, तो वही खाना दे देते हैं। तो चिल्लो सियारों को खाना दे दिए हैं और मेरा घर पूरा खाली खाली लग रहा है। मतलब कि आवाज़ जो हम लोग बोल रहे हैं वो इतना गूंज रहा है, मतलब कि जो जितना कुछ सजाया रहता है सब चीज़ को धो दिए हैं और पर्दा वगैरह भी धुल गया है। मतलब हमारी सारी बातें ये पर्दे वगैरह जितने सजाए हुए रहते हैं सब लोग सुनते हैं, तभी तो हमारा बात जो है गूंजता नहीं है और खाली होने पर गूंजता है। और यहाँ पर नाश्ता निकाल लिए हैं, जो जो चीज़ बना होता है वो। और यहाँ पे अमित का, वैसे अमित नाश्ता कर लिया है पर आज ये सब खाते हैं तो हर्षित तो है नहीं, तो अमित को ही खिला के खाते हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं खाना कैसा बना है। बैठे हुए हैं गली में और आज कपड़ा धोए थे, रोज कपड़ा धुल रहा, और वाशिंग मशीन में सुखा करके गली में डाले हैं धूप के लिए। और मौसम बहुत अजीब सा है, बादल है, धूप बारिश नहीं हो रहा है पर धूप नहीं है। सुबह में धूप आया था पर अभी धूप नहीं है, और अभी भी चावल नहीं बना है। लगभग 3 बज गया है, चावल नहीं बना हुआ है, चावल बनाना है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज जितिया का नहाय खाए, बहुत लोग कल भी किए हैं और आज फास्टिंग किए हैं और कल लोग पारण करेंगे, और हम लोग करेंगे कल फास्टिंग, क्योंकि बहुत जगह लोग आज भी कर रहा है, बहुत जगह लोग कल भी कर रहा है इसलिए। और बस थोड़ा सा रेस्ट किए क्योंकि काम करके बहुत थक गए थे और पैर में दर्द हो गया था, तो बाम लगा करके थोड़ा सा रेस्ट किए। सोए तो नहीं, बस ऐसे ही लेट करके मोबाइल चला रहे थे। और क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं शाम को भी कुछ बनाते हैं, क्योंकि मेरी माँ बनाती थी और हम कुछ दिन से छोड़ दिए हैं बनाना कुछ आज स्पेशल ऐसे करके, तो हम बहुत दिन से छोड़ दिए हैं, तो माँ बोलती है बनाना चाहिए तो बना लेंगे। छोड़ने का मतलब ये था कि ना वो तला तुला से ना थोड़ा सा हमको गैस जैसा हो जाता है, बनाने से भी, खाने से नहीं बनाने से भी ऐसा हो जाता है। और फास्टिंग के दिन फिर मेरा सिर दर्द देता है तो वो सही नहीं होता है, और ज़्यादातर मेरा फास्टिंग के दिन सिर दर्द होता है, तो इसीलिए ये चीज़ छोड़ दिए थे। काफ़ी साल से नहीं बनाते थे, पर माँ पिछले साल बोल रही थी कि नहीं बनाया जाता है, तो देखते हैं बना लेंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह तो बनाना ही नहीं है। 4 तरह का सब्जी बना है, तो अभी भी 4 या 5 तरह का सब्जी बना है। वो नोनी साग और झींगी एक में बना दिए थे, और पोई साग और आलू एक में बना दिए थे ग्रेवी वाला, और क्या बना है, कंदा का सब्जी और कच्चू का भुजिया और मड़वा का रोटी, ये सब चीज़ नहाए खाए के दिन खाया जाता है, तो इसीलिए। तो बस कल है फास्टिंग, जितिया जो जितवाहन देव होते हैं वो अच्छे से पार लगाएं और हमारे बच्चे लोगों की लंबी आयु दें, सभी के बाल बच्चे सुखी से रहें, लंबी उम्र दें सभी के बाल बच्चों को, क्योंकि ये बाल बच्चे मतलब बच्चे लोग के लिए किया जाता है जितवाहन देवता का पूजा। और कपड़ा वगैरह सूख गया है तो सोच रहे हटा ले, हवा काफ़ी अच्छा बह रहा है। और ये फूल का पेड़ मेरे घर में पहले नहीं था, मतलब इस साल से अच्छा फूल खिल रहा, पहले ये फूल नहीं था। ये देखिए ऐसे गिरा रहता है, इस बार ये बहुत बड़ा हो गया है तो अच्छा फूल खिल रहा है। पिछले साल 1-2 खिलता था पर इस साल बहुत अच्छा फूल खिल रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए। हर्षित आ गया है स्कूल से, तो
अभी किसी को खाना खाने का मूड नहीं है, क्योंकि 1 बजे तो खाएं तो क्या मन रहेगा, तो इसीलिए अभी चावल नहीं बनाया है। चावल बनाने में 8 से 10 मिनट लगेगा, तो चावल नहीं बनाया है। चलिए थोड़ा देर यही बैठते हैं, हरियाली का एंजॉय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, सारा प्लांट वगैरह है। तो पर यहाँ पे बन रहा है पुआ, काफ़ी दिन से पुआ भी नहीं बना था, होली वगैरह में बनता था, तो इस बार तो बनाए नहीं थे, पर थोड़ा सा बनाए थे जन्माष्टमी के दिन, तो सोचे पुआ ही बना लेते हैं, और वैसे ज़्यादातर पुआ ही बनता है, तो बस यहाँ पे पुआ निकाल रहे हैं और बच्चे भी उधर खा रहे हैं, तो बारी बारी से इधर से पुआ निकल रहा है और सभी लोग खा भी रहे हैं, और इसके बाद मेरा भी होगा। वैसे ज़्यादा हम नहीं खाएंगे क्योंकि कल फास्ट है, तो गैस जैसा हो जाएगा। और इधर हम सुबह में नहा धो करके चना डाले हुए थे अंकुरने के लिए, तो उसको हम पानी से निकाल करके छान देते हैं ताकि अंकुर आ जाए उसमें, तो कल पूजा में काम आ जाएगा और पारण भी करना होगा, और अंकुरित चना से ही पारण करते हैं। कर सकते हैं। क्या पूछे आप? भैया एकदम बैठा हुआ, तो हाल हो गया, गंजी पे हमको घूमना पड़ रहा है कुछ दिन के बाद, भिड़न कुछ दिन के बाद तो ऐसा हालत हो जाएगा, कटोरा मांग के हमको साला बैठना पड़ेगा रोड पे, मतलब ये हंसी के लिए। तो अभी बज रहा है 10 और पुआ बना रहे हैं, क्योंकि कुछ काम करने लगे थे तो लेट हो गए, और यहाँ पे अमित खाई पुआ। कैसा लग रहा? कृष्णा कैसा लग रहा? बहुत सरस, बहुत सरस है। और पति देव दिखाने के हालत में नहीं है पति देव दिखाने के हालत में नहीं है तो बस। और चना को भी जो हम लोग कल पूजा करेंगे, चना 5 तरह का उसमें वो रहता है अंकुरने के लिए, जैसे चना जो भी चीज हो दलहन में, तो उसको अंकुरने देते हैं, तो सुबह में फूलने दिए थे, अभी उसको छान दिए हैं, कल अंकुरेगा तो उसका पूजा होगा, परसों उसी से पारण होगा। तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।